चौधरी जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या हाल चाल बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं सर? जी? जी बढ़िया। पहली बार देख रहा हूं मैं आपको। हाँ जी, मैं पहली बार ही ज्वाइन कर पाया हूँ। एक दो बार पहले भी कोशिश करी थी तो नहीं अच्छा कर पाया। हाँ मैं 25 अप्रैल से आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। जी। तो जैसा आपने बताया है, मुझे विवेक के थ्रू से आपका पता चला था, तो जो उसने बताया था वो 25 अप्रैल से लेके और अभी तक मैं फॉलो अप कर रहा हूँ सर। तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में पहले बता देता हूँ। 2004 से मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ सर, जुलाई 2004 से। और मैं इंग्लिश मेडिसिन ले रहा था, बीच बीच में साल डेढ़ साल से आयुर्वेदिक मिली, उससे पहले भी 2-4 साल पहले लिया था। आयुर्वेदिक लेने से क्या होता है सर, महीने 2 महीने तक कंट्रोल रहता है, फिर वही का वही। तो इंग्लिश मेडिसिन मेरा कंटिन्यू चल रहा था सर। अब 25 अप्रैल से जो है, जो जैसा आपने एडवाइज किया है उस एडवाइज के हिसाब से मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। तो मेरा 200 के नीचे है अभी। अब मैं जो फॉलो अप कर रहा हूँ सर, मॉर्निंग में उठते ही लेमन टी पीता हूँ सर। उसके बाद 10 बजे के लगभग मैं नाश्ता करता हूँ, जिसमें खीरा और टमाटर उसका सलाद लेता हूँ, या पनीर शिमला मिर्च, वो थोड़ा सा 50 ग्राम के लगभग मैं पनीर और शिमला मिर्च जो है वो मिला के और वो खा लेता हूँ। फिर 2 बजे मैं लंच करता हूँ, तो 2 रोटी वो लेता हूँ पहले, फिर वही सलाद खाता हूँ, 2 रोटी और हरी सब्जी और थोड़ा सा दही। फिर रात में जो है ना, वही सब्जी, पहले सलाद खाता हूँ, फिर सब्जी, एक रोटी और दही हल्का सा, और यही यही मेरी डेली का रूटीन है सर। अब मैं क्या करता था सर, पहले आपका मैं, एज कितना बताया? एज कितना है? मेरा 47। एज है 47 सर और डायबिटीज कितने जी, साल से है? जुलाई 2004 से 2004 से है, यानी कि जी आपको कम से कम 17 साल हो गया है। जी सर। दवाई और 17 साल से आप दवाई खा रहे थे। फास्टिंग खा रहे थे सर। इंसुलिन टेस्ट कराया आपने? नहीं अभी नहीं कराया सर, अब मुझे कराना है। मैं वही चीज बता रहा था सर आपको, तो ये जैसे भी था प्लस माइनस हो रहा था। 25 अप्रैल हाँ से जब से आपका जो ये चार्ट मैंने बताया वो फॉलो अप किया है, तो मेरा हर हाँ चीज 200 से नीचे आ गया। अब क्या था आप सर, मॉर्निंग में मैं खाना खाने से पहले 2 मेडिसिन खाता था सर, हाँ जी और खाना खाने के बाद एक खाता था, फिर रात में खाना खाने से पहले एक, खाना खाने के बाद एक खाता था। अब मैं करीब 15 दिन से ऊपर हो गए सर। रात में जो खाना खाने के बाद खाता था वो मैं नहीं खाता हूँ, दिन में जो मैं खाना खाने से बाद खाता था उसको मैंने छोड़ दिया है, और खाना खाने से पहले जो 2 मेडिसिन खाता था अब एक ही खाता हूँ। तो अब मेरी इंग्लिश मेडिसिन सिर्फ एक मॉर्निंग में खाना खाने से पहले और फिर नाइट में खाना खाने से पहले चल रहा है, 3 मेडिसिन मैंने छोड़ दिया है और मेरा 200 के अंदर में आता है सर। मेरी और फास्टिंग जो पहले है पहले सारे लेके कितना आता था? 200 के ऊपर? सर 200 200 250 200 250 यही चल रहा था सर, और ये पिछले मतलब एक साल से लॉन्ग, मतलब कि पहले 5 गोली खाते थे। एक दो तीन दो 5 गोली खाते थे सर, वो हाँ, पूरा 24 आवर में पांच गोली खाते थे, शुगर फिर भी जी 200 के ऊपर रहता था। जी अभी सर 3 गोली बंद कर दिया और फिर भी शुगर लेवल 200 के नीचे रहता है। जी सर। मेरा नाइट वाला तो बिल्कुल कंट्रोल रहता है सर, इवन एक हाँ दिन तो 89 भी था, 87 था, 109 था, कल मेरा 138 था, तो नाइट वाला तो बिल्कुल इसी हिसाब से रहता है सर। तो आज से 15 दिन पहले आपको ये किसी ने नहीं बताया कि ऐसा करना है, किस चीज के बारे में सर? कि ऐसा डाइट फॉलो करेंगे तो दवाई छूट सकती है, दवाई कम हो सकती है, नहीं नहीं ऐसा ऐसा किसी तो ने पता नहीं बताया? नहीं नहीं ऐसा तो पता ही नहीं था। ये तो पहली बार जो है ना, जो विवेक ने मेरे को बताया और उसके हिसाब से जो है ना सारी चीज मैंने फॉलो शुरू कर दी, और फिर उसके बाद जो है एक दो वीडियो में जो है आपका रिकॉर्डेड वीडियो जो है ना वो काफी विवेक ही भेजता था, तो मैंने उसको देखा था, एक बार जुड़ने की कोशिश भी करी लेकिन मैं नहीं जुड़ पाया, तो आज अभी विवेक ने भेजा था तो मैं जुड़ लिया। तो इससे तो पहले मेरे को किसी ने नहीं बताया सर। इसका मतलब है कि सिर्फ वीडियोस देख के ही आपने 3 दवाई बंद कर दी। नहीं विवेक के कहने के हिसाब से, विवेक ने जैसे जैसे बताया उस हाँ रूटीन को मैंने फॉलो किया। हाँ मतलब कि ये जो भी आप फॉलो किया, मतलब आप जी वीडियोस देख के ही आपने खुद से ही कर पाए ये सारे हाँ चीज, जी सर है ना? बिल्कुल, पहली बार मैं आपसे बात ही कर रहा हूँ हाँ, तो मेरा जी ये वीडियोस बनाने का पर्पस ही यही है कि मैं सारे लोगों तक, देखिए अभी क्या है कि मैं सबको कंसल्टेशन दे नहीं सकता, पहली चीज जी फ्री में कंसल्टेशन में दे नहीं सकता, कोचिंग जी में फ्री में नहीं दे सकता, और सारे जी लोग ना तो कंसल्टेशन ले सकते हैं और ना ही वो कोचिंग ले सकते हैं, है ना? तो जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो बिल्कुल कंसल्टेशन ले, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कंसल्टेशन फ्री नहीं है। जो लोग कोचिंग लेना चाहते हैं खुद से नहीं कर सकते, वो भी बता दूं कि कोचिंग मेरा जो डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम है वो फ्री में नहीं है।
लेकिन मैं वीडियो सारे फ्री में बनाता हूँ, इसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है और पूरे सही जानकारी देता हूँ, क्योंकि ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने खुद डायबिटीज रिवर्स किया है। तो ये जो एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये आपको गूगल करके भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं सर। मैं ठीक है, इसके लिए गूगल आज करके। आपसे जो जुड़ा हूँ सर, मैं एक बार हाँ आपसे पर्सनल मिलना चाहता हूँ सर। जी इत्तेफाक जी से मेरा क्या है पता चला, जो आप फरीदाबाद में रहते हैं और मैं अच्छा ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ सर, तो मैं पर्सनली अच्छा आपसे एक, जब ये लॉकडाउन खुल जाता है 24-25 को, हाँ तो मैं जी चाहूंगा एक बार आपसे पर्सनली मिलके, क्योंकि तो इस जी पे वीडियो पे तो इतनी देर तक सारी डिटेल में डिस्कस नहीं हो सकती आपसे, तो जो भी आपका कंसल्टेंसी है वो चार्जेस पे करके और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपका जैसा एडवाइज होगा उस हिसाब से हम देखेंगे सर। अभी जी तो मिल नहीं रहा हूं मैं, अभी कुछ अच्छा महीने तक मैं क्लिनिक में नहीं मिलूंगा, अवॉइड करूंगा, मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देता हूं मैं। अच्छा हाँ, तो ऑनलाइन कैसे हम करेंगे सर? ऑनलाइन ये यहाँ पे एक दिखाता हूँ मैं आपको, ये एक बैनर दिख रहा है आपको, हाँ, इस पे बस मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर डिटेल्स आ जाएगा सारे चीज, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ये नीचे आप देख पा रहे हैं ना, हाँ नंबर आ गया इस सर पे, मेरे हाँ, पास। नीचे आ जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग रहता है, ये कोई इशू नहीं है, आपको हर ओके ठीक वीडियो है के सर, नीचे मिल जाएगा, तो कोई नोट डाउन नहीं भी करेंगे। फिर मैं इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, फिर हाँ उस हिसाब से जो भी होगा वो फॉलो अप करके हाँ हाँ आपसे मैं कंसल्ट कर हाँ लूंगा सर। जी हाँ तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और इसको शेयर करिए, दूसरे को भी बताइए, अगर क्योंकि आजकल घर घर में डायबिटीज है, सारे लोगों को डायबिटीज है, बिल्कुल आपके सही कह रहे परिवार हैं में, आपके सोसाइटी में 1,000 लोगों को डायबिटीज, हर बंदे को डायबिटीज है, और इसलिए डायबिटीज है क्योंकि कोई सही जानकारी दे नहीं रहा है, सर। हाँ वो तो है सर, ठीक है। और आप खुद देख रहे हैं कि अभी ये चीज अगर आपने 17 साल पहले कर लिया होता तो आज शायद मेरे साथ जुड़े हुए भी जरूरत नहीं पड़ती आपको। 17 साल पहले आप मिले नहीं थे सर, हाँ, मैं भी नहीं मिला, और लोगों को भी नहीं मालूम था, किसी आलू को भी नहीं मालूम था। को भी, और मालूम था भी तो किसी ने बताया नहीं, कोई बताना नहीं चाहता है, जो मुझे समझ में आ रहा है। अभी भी ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैं सारे चीज उनको भी ट्रेन करता हूँ, तो ये क्या उनको भी रिवर्स हो बताता हूँ। सकता, ये रिवर्स हो सकता है सर? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है, तभी तो हम ये दरबार चला रहे हैं, मैंने खुद डायबिटीज रिवर्स किया है, मेरे सारे पेशेंट जितने भी कोचिंग लेते हैं वो सब रिवर्स कर रहे हैं, अच्छा समय लगता है, डायबिटीज रिवर्सल आसान नहीं है, डायबिटीज रिवर्सल रातों रात नहीं होता है, किसी को 6-3 महीने में भी कर लेते, कोई साल भर में भी नहीं कर पाता, तो समय लगता बिल्कुल है, सही बात। हाँ डिपेंड करता है कौन कितना फॉलोअप कर रहा है सर। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कितने साल से है, कितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है आप, लेकिन इतना तो कंफर्म्ड है कि अगर रिवर्स नहीं भी करेंगे, एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो अंग्रेजी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई, किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो कंफर्म्ड है, जी तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। मान लीजिए रिवर्स नहीं भी होता है, दवाई अगर छूट जाए, तो एक लाइफस्टाइल, ठीक तरह से लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। बिल्कुल सही है सर, इंग्लिश मेडिसिन का तो हमेशा साइड इफेक्ट होता मैं है तो ये सर। समझ नहीं पाता हूँ, लोग सोचते हैं कि मेरे रिवर्स नहीं होगा, मेरे रिवर्स नहीं होगा, वो HbA1c 5-6 के नीचे आ जाता है, उसके बाद थोड़ा शुगर खाते तो बढ़ जाता है। अरे भाई, ठीक है ना, आप एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके चलोगे, रिवर्स नहीं भी हुआ तो भी आपकी दवाई तो सारे बंद हो गए, एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो आप, बिल्कुल सर, और कभी कभी पार्टी उटी कर लिया, कुछ खा लिया, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन 100 अगर रिवर्स नहीं भी हुआ तो भी तो दवाई छूट गई, एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो, जो 20 साल से लोग दवाई खा रहे हैं, कितनी, बिल्कुल सही बात आप सर, कैलकुलेट करके मुझे बताना कभी कि आपने जो 17 साल दवाई खाया है कितना आपने खर्चा किया होगा, मिनिमम 3,000 रुपये महीने में खर्चे होते हैं। आप खुद ही कैलकुलेट करके बताओ, और आपकी हेल्थ जो खराब हो रहा है, अंदर के जो ऑर्गेन्स डैमेज हो रहे हैं, फ्यूचर में जाके मान लीजिए अभी 47 ईयर्स ओल्ड है आपका, अभी 5 साल 6 साल में अगर कभी किडनी डैमेज हो गया, उसका कितना खर्चा लगेगा आपको, बिल्कुल मेंटल सही, ट्रॉमा कितना होता है लोगों को, उसकी कैलकुलेशन आप करके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता है। अभी आप खुद देख रहे हो कि जितने भी इतने कोरोना का ये चल रहा है, ये जो 50% डेथ क्यों हो रहा है, 50% लोग उनका डेथ हो रहा है जिसका इम्यूनिटी कमजोर है, इम्यूनिटी जिसका कमजोर है, जिसको डायबिटीज है उसकी, तो आप मान के चलो 400% गारंटी है कि आपका इम्यूनिटी कमजोर है, ये आप मान के चलो, ठीक है। तो इसीलिए डायबिटीज को रिवर्स करना से, और दवाई से अगर आप कंट्रोल कर रहे हो ना, अगर आपकी HbA1c 5 के नीचे भी आ गया, 6 के नीचे, और दवाई खा रहे हो 5 गोली, तो आपकी फिर भी इम्यूनिटी कमजोर है, क्योंकि आपकी शुगर लेवल कम है, डायबिटीज ठीक नहीं हुआ है आपका। बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेडिसिन छोड़ के, और यदि मेरी फास्टिंग, अभी आप ये बताइए सर, 5 मेडिसिन खाता था, अभी 2 मेडिसिन खा के मैं 200 के अंडर
मेंटेन कर रहा हूँ, 173 से लेके 157 जी से लेके, 25 अप्रैल से लेके और अभी तक मैं 157 से लेके और 190 के बीच में मेरा रहा है जी मेरे हिसाब से सिर्फ। अगर आप पांच गोली खा के 140 के नीचे अपना शुगर लेवल रखते हैं, और मेरे हिसाब से अगर एक भी गोली ना खा के 180 के नीचे रखते, वो ज्यादा बेटर है। बिल्कुल सही है सर, मेरे को ये ठीक है पूछना था ना? सर अपने हिसाब से, तो मैंने इतनी तीन मेडिसिन छोड़ दी, अभी जो हाँ दो दो मेडिसिन मैं खा रहा हूँ एक हाँ दिन में और एक रात में, तो हाँ वो अभी ऐसे ही कंटिन्यू रहने दूँ? उसको आप तब छोड़ सकते हैं, जैसे अभी बता दिया मैंने, इसका उत्तर आपको पहले अभी दे ही दिया मैंने। आपका जो सवाल था, इसका जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया कि मैंने कहा कि 180 के नीचे बिना दवाई के अगर रख सकते हैं तो दवाई की जरूरत नहीं है। अभी दवाई के साथ मेरा 180 के हाँ, अभी लगभग तो है सर। बीच बीच में कोशिश करके देखिए, एक आध दिन जैसे छोड़ के देखिए कितना आ रहा है। अगर 180 के ऊपर चला जाता है तो फिर कुछ टाइम के लिए दवाई खाइए, फिर दोबारा से ऐसे ट्राई करिए। अच्छा, ठीक है, जी, ऐसे आप डोज एडजस्ट कर सकते हैं कि 180 के अच्छा ऊपर ना जाए बस। ठीक है सर, ठीक है, जब आपकी जो रीडिंग लेते हैं ना, मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 यूनिट वो ज्यादा होता है, तो अगर 180 के नीचे रखेंगे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 150, 160, 170 के आसपास होगा, जी और अगर 150, 160 खाने के बाद है तो एवरेज और कम होगा। खाने के बाद सर हमेशा मेरी पूरी लाइफ में जो है ना खाने के बाद हमेशा कम रहा सर, सिर्फ हाँ फास्टिंग ही हमेशा ज्यादा हाँ रहता है सर। फास्टिंग थोड़ा ज्यादा रहेगा अभी आपका भी। ठीक है, कोई अच्छा टेंशन की बात नहीं है, प्रदीप जी को भी एक ले चीज लेते। और पूछना था हाँ सर, जी हाँ जो जी मैं चावल जो है ना अभी बिल्कुल, जैसे विवेक ने बताया था चावल मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, हाँ ठीक पहले है, मैं अवॉइड चावल दिन करिए। में एक बार खा लेता था, वीक में 2 दिन 3 दिन खा लेता था, तो क्या हाँ, मैं खा खा सकता सकते हूँ हैं चावल? आप चावल, खा सकते हैं, लेकिन आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आना पड़ेगा। कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग मैंने सिखाया था 125 के नीचे रखना है। 100 ग्राम चावल में आपको 25 से 30 ग्राम, 30 ग्राम के आसपास आपको मिलेगा, जो पका हुआ है। पका हुआ 100 ग्राम चावल में 30 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो 30 ग्राम मान लीजिए, अगर 100 ग्राम चावल लिया तो 30 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरे जगह से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हर चीज का कार्बोहाइड्रेट आपको काउंटिंग आना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, समझ गया सर, ठीक है, तो आप कुछ भी खा जी सकते हैं अगर ये ठीक सर, काउंटिंग आ गया तो। ठीक ठीक है सर, समझ गया सर। ठीक है।